दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नान खटाई की रेसिपी। और आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया ये नान खटाई बनी है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। इन्हें बनाने का सारा सामान हमारी किचन में ही मौजूद होता है। और अगर एक पीस मैं आपको तोड़ करके दिखाऊं तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल कुकिंग में। देखते हैं इन्हें बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ये नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं देसी घी। तो घी आप ना थोड़ा जमा हुआ लीजिए, गर्मियों का मौसम है, अगर थोड़ा पिघला हुआ घी हो तो आप थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3/4 कप भर करके चीनी, पिसी हुई चीनी है ये, जिसे मैंने छान करके लिया है। ये मैं मेजरिंग कप से मेजर करके बता रही हूँ। अगर आपके पास में मेजरिंग कप अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिएगा 250 ml की। तो 3/4 कप मैंने लिया है चीनी और 1/2 कप मैंने लिया है घी। अब मैं इसे थोड़ी देर इस तरह से फेटूंगी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की क्रीमी फोम में आ रहा है ये। बस इसी तरह का हमें ये चाहिए, तभी नान खटाई बहुत बढ़िया बनेंगी। तो ये देखिए फेटते हुए मुझे करीब 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया क्रीमी फोम में आ चुका है ये। थोड़ा सा मैं इसे और फेंट लेती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए ना तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, इसी तरह की आसान टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो अब हम इसमें डालते हैं बची हुई चीज़ें। तो ये देखिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 कप मैदा। सभी चीज़ें हम छान करके लेंगे। तो करीब 2 से 3 पिंच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक, और ये मैंने लिया है यहाँ पर बेकिंग पाउडर 1 चम्मच करीब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। और अब अगर आप ये सिर्फ मैदा की नान खटाई बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ भी मत डालिए, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेसन भी ऐड करूँगी। तो 1/4 कप मैंने लिया है बेसन। छान लेते हैं सभी चीज़ों को। दोस्तों, नान खटाई बिस्किट ना आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, मिनटों में ही बन जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और सबसे बड़ी बात, घर पर बनी हुई होती है, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनी हुई होती है। तो सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि मैं छान रही हूँ। दोस्तों, इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर है, आप प्लीज़ उन सभी को देखिए। और मुझे उम्मीद है कि सभी रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएंगी। तो ये देखिए सभी चीज़ें मैंने छान ली हैं। बेकिंग करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सभी चीज़ों को आपको छान करके लेना चाहिए, ताकि इसमें जितनी भी ये गुठलियाँ वगैरह होती हैं ये ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए सभी चीज़ें हमने छान ली है और अब इन्हें इस तरह से हम मिक्स करते हैं। तो मिक्स करते समय भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिस तरह से हम मोइन मिक्स करते हैं ना, पूरे आटे में मिक्स हो जाना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से ये जो घी है ये अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, तभी नान खटाई एकदम सॉफ्ट बनेंगी। तो हाथों की सहायता से मिक्स करते हैं हम इसे। सभी चीज़ें अच्छे से घुल मिल जानी चाहिए। अब ये जो जितना घी हमने लिया था ना, इसमें ही नान खटाई का डो तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि डो बनने में नहीं आ रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मैंने मिक्स किया है और अब मैं इसे हाथों की सहायता से इस तरह से इकट्ठा कर रही हूँ। बहुत दबा दबा करके हमें इसका डो तैयार नहीं करना है, बस इकट्ठा सा करना है। ये देखिए अभी ये इकट्ठा होने में नहीं आ रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी। तो करीब 2-2 चम्मच करके हम दूध डालेंगे और जैसे ही ये इकट्ठा होने लग जाए बस इतना ही दूध हमें डालना है। तो 1/4 कप से भी कम इसमें दूध डलेगा और ये डो बनने में आ जाएगा। ये देखिए करीब 2-2 चम्मच करके दूध डाल रही हूँ मैं, एक साथ बहुत सारा दूध नहीं डालना है। तो बस ये जो टिप्स मैं वीडियो में दे रही हूँ ना, आप इन सभी को ध्यान में रखते हुए नान खटाई बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया नान खटाई घर पर बनेगी। तो ये देखिए डो बनने में आ गया है, बस इसे अब हम इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं और इसके बाद हम इसकी लोइयां बनाएंगे। तो पेड़े की जैसी हम इसकी लोइयां बनाएंगे। अगर आप दोनों हाथों से इस तरह से लोई बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगी। तो पहले आपको इसे इस तरह से लड्डू की तरह बनाना है और उसके बाद में इसे दबाते हुए शेप दे देना है पेड़े की। ये देखिए तो लोई बनाएं, उससे पहले माइक्रोवेव को प्रीहीट कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी होती है, चाहे हम कढ़ाई में बेकिंग करें या फिर माइक्रोवेव में करें या फिर OTG में करें, हमें सबसे पहले उसे प्रीहीट करना होता है। तो चलिए अब हम लोइयां बना लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने बेकिंग ट्रे ली है और इसमें मैंने लगा दिया है ये बटर पेपर। बटर पेपर मार्केट में इजीली मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट ट्रे में भी ये नान खटाई बना सकते हैं।
और आप देखिए, अगर आपको इक्वल नान खटाई बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह का कोई स्पून ले लीजिए, उससे मेजर करते हुए इक्वल नान खटाई के पेड़े बना लीजिए। तो ये देखिए, ये सिर्फ मैं आपको एक ही साइज की नान खटाई बनाने का तरीका बता रही हूँ, बाकी अगर आप इक्वल साइज के पेड़े बना सकते हैं तो बना लीजिए। तो सभी पेड़े मैं बना लेती हूँ और उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही बेक कर सकते हैं या फिर इस पर मनचाहा कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सभी पेड़े बना लिए हैं और अब मैं इस पर चाकू की सहायता से हल्के हल्के से कट लगा रही हूँ। आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं, जैसे कि पिस्ता, बादाम या काजू, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये सिंपल नान खटाई बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये ऐसे ही अच्छी लगती है। ये देखिए, इस तरह से क्रॉस में थोड़ा सा कट लगा रही हूँ ताकि देखने में अच्छी लगेंगी। तो सभी नान खटाई पर हमने कट लगा लिए हैं और अब हम इन्हें प्री हीटेड ओवन में रख देते हैं। कन्वेक्शन बटन को बार बार प्रेस करते हुए हम इसे 150 डिग्री पर लेकर जाएंगे और उसके बाद में टाइमर पैनल से टाइम सेट करेंगे। तो ये देखिए, 150 डिग्री पर मैं 12 मिनट के लिए लगा रही हूँ। डिपेंड करता है कि आपका जो माइक्रोवेव है वो कितने वॉट का है। 12 से 13 मिनट में नान खटाई अच्छे से बेक हो जाती है। तो नान खटाई तो बेक हो चुकी है, लेकिन मैं अभी इसे 3 से 4 मिनट के लिए और लगाऊंगी 160 डिग्री पर, क्योंकि मुझे इस पे हल्का सा कलर देना है। तो 3 मिनट हो चुके हैं और 3 मिनट के बाद में मैंने नान खटाई को निकाल दिया था, ठंडी होने के लिए रख दिया था। और ठंडी होने के बाद में ये देखिए कितनी बढ़िया नान खटाई बनी। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जब आप ये नान खटाई निकालेंगे तो थोड़ी सी सॉफ्ट रहेंगी, लेकिन जैसे ही आप इन्हें पंखे की हवा में ठंडी होने के लिए रखेंगे तो ये बिल्कुल वैसी ही हो जाएंगी जैसी कि हम मार्केट से नान खटाई खरीद करके लाते हैं। तो दोस्तों, जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू।